Assalamualaikum नाज़रीन, welcome to your own show Bhoojo To Jeeto. बिल्कुल बूझे और जीते लाहौर न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत सारे इनामात. जी आज हम हैं अमाना मॉल में और इस वक्त मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी हुई हूँ और अभी ये खाली था और यू एकदम जो है वो लोगों का रश हो गया है और लोग जो है वो एक्साइटेड हो गए हैं कि बूझो तो जीतो जो है वो स्टार्ट हो और उनको छोटी छोटी बातें लाइक रेसिपी, सॉन्ग, टिप, शेर, एनीथिंग जो आप में टैलेंट है वो आप दिखाओ और लाहौर न्यूज़ से बड़ा सा इनाम ले लो. तो बहुत मज़ा आता है मुझे जब मैं आप लोगों के पास आती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ. सच में मैं कुछ बीमार थी तो मैंने 3 दिन छुट्टी की और ट्रस्ट में मैं आपको बताऊँ मैंने आप लोगों को मिस किया. मैंने अपने प्रोग्राम को और अपने ये जो फैंस हैं जो मुझे यहाँ पे मिलते हैं इन सबको मैंने मिस किया. मुझे होने लगे कब मैं काम पे वापस जाऊँ और मैं जो है अपने फैंस से इतने प्यारे प्यारे जो लोग हैं उनसे मिलूं, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूं, उनको इनाम दूं और सेल्फीज डेफिनेटली और उनका जो टैलेंट है उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया हम लोग कर सकें लाहौर न्यूज़ के ज़रिए से. तो बस मज़ीद मेरी बातें जो हैं वो ख़त्म, प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं. बताया जैसे कि बीमार थी, सर्दी बहुत है बाहर, प्लीज़ ख़ुद को कवर करें. फैशन हर चीज़ चलनी चाहिए, हर चीज़ चलनी चाहिए लेकिन स्टाइल के साथ. जब सर्दी हो जाए तो आप थोड़ा कवर अप करके फैशन कर लें, जब थोड़ी गर्मी हो तो आप उसके मुताबिक कर लें. तो प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है, लोग जो है वो टेंशन में आ जाते हैं कि यार सर्दी है इसमें हमने कैसे फैशन करना है, सर्दी में तो सारे कपड़ों के लुक बर्बाद हो जाते हैं. तो ऐसा नहीं है, अकॉर्डिंग टू फैशन हर तरह की जो है वो आप लुक्स कैरी करें. बल्कि सर्दियों में तो मैं कहती हूँ ज़्यादा ईजी है रेडी होना. तो टिप के हिसाब से मैं आपको बताती रहती हूँ, एक सर्दी की एक डार्क कलर पहने, खुद को कवर रखें और कोशिश करें ड्रेस कोड की तरफ ज़्यादातर सर्दियों में जाएं. और थोड़ा मेकअप पे आप बहुत एडवांटेज है कि आप हर तरह की लिपस्टिक पे डार्क से डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं. मुझे पसंद नहीं है ज़्यादातर इसलिए मैं नॉर्मल लगाती हूँ, मगर आप लगा सकते हैं. तो मज़ीद आपसे बातें नहीं करेंगे, लोगों से बातें करेंगे. तो आए लोगों के पास चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. का नाम? डॉक्टर नेता. बेटा नाम बताओ. रियान. कौन सी क्लास? वन पर्पल. आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ. किस चीज़ की डॉक्टर? सोनोलॉजिस्ट. ओके जी, सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? ओके. मुझे बताएं सोने की वो कौन सी चीज़ है लाइक आपको वो किसी भी सुनियारे के पास नहीं मिलेगी? नींद, सोना. वो नहीं है, कुछ और सोने की चीज़ कोई हिंट दे. सोने की चीज़ इससे बड़ी हिंट क्या दूँ. जैसे हम ज्वेलरी लेनी होती है तो हम या तो ऐसे ब्रांड के पास जाते हैं जो रेडीमेड हमें दे दे या कुछ उससे बनवानी पड़ती है. कपड़े हो सकते हैं, क्लिप्स हो सकते हैं, वो नहीं मिलते सोने के. कपड़े, कपड़े कौन पहनते? हाथ. सोने के कपड़े. सोना. सोने की क्या चीज़ हमें सुनियारे पे नहीं मिलती? हाँ, क्लिप्स. क्या सुनाएंगे आप? गाना सुनाऊंगी. हाय नी हाय नखरा तेरा नी, हाय रे टेड गबरू नु मारे, हाय नी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लक दे हुलारे, तेरी तिकी तिकी नखरी कमाल कर गई, अखन अखन सवाल कर गई, मुंडे ने गिर दे ने, हाय रे टेड गबरू नु मारे. जॉनी जॉनी लग पापा इतने सुखे नो पापा तेलो वाई नो पापा ओपे मोशा. वेरी नाइस. आपने सुनाने कुछ? ट्विंकल ट्विंकल सुना दे. ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार, हाउ आई वांट यू, व्हाट यू आर, अप अबव माय वस्त्र, लाइक अ डायमंड इन द स्काई. वेरी नाइस. ये लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट. थैंक यू जी. बहुत क्यूट से बच्चे थे, बड़ा मज़ा आया. और सबका मकसद ये होता है कहने का, भाई सबकी बारी आएगी. बार बार कोशिश कर रहे होते हैं कि सबकी बारी आए तो इंटरप्ट ना क्या करें, किसी और से बात करें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नाम? नुमान भट्ट. खदीजा. नाम? अजान. कौन सी क्लास में?
आप क्या करते हैं? फर्स्ट ईयर पी नाइन्थ. दोबारा स्टडी स्टार्ट कर? हाँ जी. वेरी गुड. आप मेरे प्रोग्राम में आए थे पहले? हाँ जी. मैंने आपको कहा था दोबारा पढ़ना स्टार्ट. बिल्कुल. एडमिशन ले लिया? हाँ जी. वेरी नाइस. भाई के लिए एक दफ़ा क्लैपिंग करें. नहीं, वेरी नाइस. ये बहुत अच्छा स्टेप है और खासतौर से मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग इस तरह की अच्छी कोई बात माने. पढ़ाई सबसे पहले है. चलो मैं एक सवाल करती हूँ, गौर से सुनना. ओके, आप एक कश्ती में बैठे हुए हैं, उस कश्ती में हॉल हो गया और चारों तरफ आपके शार्क्स हैं, आप डूब रहे हैं. दोबारा से यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ जी. चलो अब दोबारा से गौर करो इसके ऊपर. एक प्लान है, आप सोच रहे हैं कि आप एक कश्ती में बैठे हुए हैं, उसके अंदर बड़ा सा हॉल आ गया है, पानी बुम 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 करके ऊपर आ रहा है, चारों तरफ शार्क्स जो हैं वो शें शें कर रही हैं और वो बस आपको खाने वाली हैं, तो आप अपनी जान कैसे बचाएंगे? जान कैसे बचाएंगे? हॉल बंद नहीं कर सकते? तो बड़ा हॉल है ना, पानी का फ्लो बहुत होता है. शार्क असली हैं नकली हैं? असली बड़ी वाली. चलो खा गई शार्क. क्या सुनाएंगे? सॉन्ग. कदी मेरे ख्याल विच कदी मेरे ड्रीम विच नहीं दस कुड़ी है किवें बढ़ गई है फ्री विच मैनू कंट्रोल विच पा गई है फ्लो विच कितने आ गया मैं बॉलीवुड दे सीन जी एस ओ इलेक्ट्रिक नचदी वे जदों मैनू लगदी वे जस्ट क्वालिटी विच या कुड़ी है तू फैंटास्टिक खिचदी है क्लोज मैनू लगदी अट्रैक्टिव सोट सडल्ट विक तेरा हाथ सा किवें दर स्माइल पता चल गया कि तू बन गई है माइन बी टू ते नचे तू वाइन इन लाइव किन्नी तू एक्सक्लूसिव जी मैं तेरा स्टाइल जा मैंने तू फास्ट न प्लेस लो मूव तू करे मैनू प्यार कि फिर लो विक तेरी चाल वे मामा माइंड ब्लो तू कर गई है मर्डर ऑन द डांस फ्लोर तू मेरी इमेजिनरी गर्ल है तेरे वर्गी ना हो रे आई वांना सी यू इन द मॉर्निंग कांदी हो ब्रेकफास्ट डायमंड द किचन हे ये अमेजिंग. आपने क्या सुनाना है जनाब? नज़्मा. ये माइक पकड़ें और सामने. मिट्टी के तावीज बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से हाथ चुरा के मेरे सारे ख्वाब सजा के बस इतना कहने आए हैं शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा. वेरी नाइस शाबाश. बस आपका तो है यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए. मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए तेरे संग जीना यहाँ तुझ संग मर जाना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना. तीनों बहन भाई हो ना यार, कमाल है. तीनों की आवाज में बड़े सुर पाए जाते हैं. लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गए. थैंक यू जी. बहुत मजा आया इनसे बात करके और खुशी हुई. खुशी इसलिए हुई कि काफी अरसे पहले ये लड़का मुझे मिला था इस मॉल में और इसने मुझे बोला कि पढ़ाई की उसके बाद छोड़ दी तो अभी कुछ नहीं करता हूँ. तो मैंने इसे कहा था नो प्लीज दोबारा से कंटिन्यू करो स्टडी. तो इसने कहा गैप आ गया. मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं.
इसकी परवाह आप ना करो, अब लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचें, छोड़ो और स्टडी स्टार्ट करो। और आज इसने बताया कि इसने दोबारा स्टडी स्टार्ट कर दी है और ये माशाल्लाह फर्स्ट ईयर में है, तो मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि उसने एक तो मेरी बात भी मानी और दोबारा से पढ़ाई की तरफ गया। स्टडी कम्स फर्स्ट। मैं तमाम बच्चों को कहती हूँ कि बच्चों प्लीज़ पढ़ो, ये मत सोचो यार फेल हो गए हैं दोबारा क्लास में जाएंगे लोग क्या कहेंगे, छोड़ो लोगों को, अपनी लाइफ पे फोकस करो, ठीक है। चलें किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल सामने देखना आप, ठीक है, क्या करते हैं आप? मेरा प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का क्या रेट जा रहा है आजकल? रेट किराए पे चढ़ाते हैं या बेचते हैं? नहीं, सेल परचेज। सेल परचेज। अच्छा, क्या रेट जा रहा है, कहाँ का, कोई अच्छा बताए इन्वेस्टमेंट की जगह? मेरा एलडी का काम है सारा, टोटल जो एलडी की स्कीम है ना उनका काम करता हूं। प्राइवेट शॉर्ट तो नहीं हो रहा आजकल? नहीं, इतने फ्रॉड पे होते भी हैं, मगर ये कि कंफर्म कागज हो तो कोई मसला नहीं है, कागज चेक करवाएं, अब सही करें तो फिर। चलो गुड हो गया। सवाल करें आप? जी जी। एक चीज थी उसका 2018 में मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया, अब वो आपको कहीं नजर नहीं आएगी, वो क्या चीज थी? नून लीग। नून लीग नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बताऊँ ये हमारी वाम क्या है, जब तक ये हुकूमत एंड होनी है सबने सब कुछ भूल जाना है, ऐसे ही है, रिपीट रिपीट रिपीट, बिल्कुल यही हिस्ट्री चलती आ रही है, उससे फिर दोबारा आ जाना है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो बिल्कुल एक चीज हम उसको दोबारा कभी नहीं देख सकते, वो क्या है? 2018 हम दोबारा नहीं देख सकते। तालियां तालियां बजाएं आप अपने लिए, आप बजाएं तालियां बजाएं। यार मेरी बात किसी को एकदम समझ क्यों नहीं आती, क्या सुनाएंगे? मैं गाना सुनाऊंगा सामने देख। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। जबरदस्त, किसके लिए गाया? पापा के लिए। थर्ड इसी साल? नहीं, 2005। अल्लाह पाक उनको जन्नत। आमीन। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। थोड़ा सा आज मैं भी इस तरह तो ऐसा जो सैड हो जाऊंगी, तो प्लीज आप लोग ऐसी बातें ना करें, सब खुश खुश रहें, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमने बस अल्लाह पाक की रजा समझ के इसको कबूल करना है। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? हुमा। वसीम। राहिन। परवा। ओके, क्या करती हो? मैं जॉब करती हूँ यहाँ। यहाँ पे करती हो? ओके। आप? मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास? फोर्थ। 3-2। ओके, पहले मुझे बताओ ये आईसेट वाले लेंस हैं या वैसे ही लगाए हैं? वैसे लगाए हैं। वैसे ही लगाए हैं। वो नहीं होता कि इरिटेशन नहीं होती? नहीं। क्यों, मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है लगाने? शुक्रिया। ओके चलें जी, सवाल करते हैं। गौर से सुनिएगा, आप सोच रहे हैं एक बड़ी सी कश्ती है, आप उसमें बैठे हुए हैं, उसमें एक हॉल हो गया और बुबुबु करके सारा पानी ऊपर आ जा रहा है और साइडों पे शार्क्स भाग रही हैं और आपको खाने की कोशिश कर रही हैं, तो आप खुद को कैसे बचाएंगे? हम बीच में बैठे रहेंगे, मैं होंगे। अरे वो शादी हॉल नहीं है, सुराख वाला हॉल हो गया। हम उसके किनारे पे बैठे रहेंगे। किनारे बैठेंगे तो वो खा जाएगी? नहीं, कश्ती तो डूबने वाली है, उसके अंदर पानी भर गया, हॉल हो गया था ना। क्या सुनाओगी? इनसे सुन ले पहले सॉन्ग सुना। ओके, आपने क्या सुना? सॉन्ग ही सुनाओ। आपने? मैंने भी सॉन्ग टाइम। ओके, बारी बारी सारे सुनाते जाओ। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। संभली सलोनी ये दाएं मन मोनी, तेरी जैसी ब्यूटी किसी की नहीं होनी, ठंडे की बोतल में तेरा फनर, तुझे गट्टे गट्टे में पी लूं, कोका कोला तू प्रेम कोला तू, कोका कोला तू।
baby, baby, yes, papa. Eating sugar, no, papa. Telling a lie, no, papa. Eat, open your mouth, ha, ha, ha. नैनो की जो बात मैं ना जाने है सपनों के रास्तों ने ना जाने है दिल की बातें धड़कन जाने है जिस पे गुजरी वो तन जाने है हम दीवाने हो गए हैं आपके हम तो बस इतना जाने है तू मेरा है सनम तू ही मेरा हमदम तेरे संग जीना अब साथ हो जाना wow. लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत क्यूट से बहन भाई थे और लेंस के बारे में मैंने इसलिए पूछा बिकॉज मेरी एक पर्सनैलिटी आई डोंट नो व्हाई मुझे लेंस लगाना आम इस तरह पसंद नहीं है आपने कभी मुझे प्रोग्राम में नहीं देखा होगा लेंस लगाए आई प्रेफर कि आपकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं अल्लाह पाक ने आपको आपको पता है कलर आइज होना एक प्रॉब्लम है आपके अंदर किसी चीज़ की कमी की वजह से आपकी आंखों का कलर जो है वो कोई और हो जाता है तो ये आंखें होना तो खूबसूरती है तो अपनी नेचुरल आंखों को आई थिंक अवेल करना चाहिए हर एक अपना पर्सपेक्टिव है जो मुझे लगा मैंने कह दिया किसी अर्थ बात कर दिया वालेकुम नाम आपका फातिमा मोस्ती क्या करती हो मैं 10th क्लास में स्टडी कर रही हूँ अच्छा चलो मुझे बताओ वो कौन सा फल है जिसके नाम पे लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं फल पे सोचना पड़ेगा सोच लें नेल्स दिखाओ अरे वाह उधर दिखाओ ना टीवी पे ये कैसे किया ये स्टिकर्स थे नेल आर्ट थे मैंने ये खुद बनाए हैं स्टिकर्स हैं अच्छा दिखाओ तो सही करीब से लेट मी टच अरे वाह जबरदस्त क्या सुनाऊंगी मैं सॉन्ग महफिल में तेरी हम ना रहे जो गम तो नहीं है गम तो नहीं है किससे हमारी नज़दीकियों के कम तो नहीं है कम तो नहीं है इतनी दफ़ा सुबह को तेरी मैंने आंगन में बैठे मैंने शाम किया चन्ना मेरे आ बेलिया हो पिया जाने तूने बांधी कैसी अखियों पे डोर मन मेरा खींचा चलाया तेरी ओर तेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम पिया सब कुछ है मेरा अब से तेरे नाम नजरों ने तेरी छुआ तू है जादू हुआ होने लगी हूँ मैं हंसी आफरी Amazing. लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गए थैंक यू वेलकम बेटा जी बहुत अच्छी आवाज़ थी इस बच्ची की और वेरी नाइस जैसे वो लेके जाना और वापस लेके आना It was very nice. जी नाज़रीन टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का सो लेट्स हैव अ ब्रेक